सच साहस सरोकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। प्राइम टीवी लगातार सूर्य ग्रहण को लेकर अपडेट दे रहा है। इस हमारे साथ पंडित रामजी मिश्र मौजूद हैं, जिनसे लगातार हम सूर्य ग्रहण को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि 27 साल बाद दिवाली के बाद ऐसा सहयोग बना है जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। बता दें कि भारत में 4:29 पर ही ग्रहण शुरू हो गया था, जो 6:09 तक चलेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हम रुक करेंगे पंडित रामजी मिश्र का। पंडित जी, जी सूर्य ग्रहण चल रहा है, वो 6:09 पर खत्म होगा, और कैसा प्रभाव अभी इसका देखने को मिल रहा है? सूर्य ग्रहण 5:42 पर महावीर पंचांग के अनुसार समाप्त हो जाना था। अलग अलग पंचांगों में अलग 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 समय दिया गया है जी, जिसमें कुछ पंचांगों में शाम को 6:09 पर मोक्ष हो जाना संभव है। इसलिए इस ग्रहण का प्रभाव अभी पड़ेगा। 6:09 पर मोक्ष और उसके उपरांत स्नान ध्यान पूजा पाठ करके सभी लोग भगवान का स्तुति आराधना करेंगे जी। इसलिए ये ग्रहण अभी वर्तमान समय में प्रभाव इसका पड़ रहा है। अपने जो भी कार्य कर रहे हों उनको थोड़ा सा रोक देना चाहिए और ग्रहण के उपरांत कोई भी कार्य करना चाहिए। ग्रहण आने वाले समय में पूर्णिमा को भी पड़ेगा, चंद्र ग्रहण, जिसका प्रभाव इतना भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन चंद्र ग्रहण आने वाले 15 दिन के बाद फिर से पड़ेगा जी। पंडित जी, ये जो सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद लोग स्नान करते हैं, कोई गंगा जी में करता है, अपने घर में लोग करते हैं, क्यों करते हैं, क्या मान्यता है इसको लेकर? स्नान को लेकर के मान्यता यह है कि जब ग्रहण पड़ता है उस मध्य में ऐसी ऊर्जा, जो तरंगे निकलती हैं, निगेटिव तरंगे, नकारात्मक ऊर्जा, वो कहीं ना कहीं हमारे वस्त्रों पर, कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर, और उसका दुष्प्रभाव हमारे खाने पीने की वस्तुओं पर अवश्य पड़ता है जी। इसलिए उत्तम तो यही माना गया है बालक वृद्ध के लिए और जो अस्वस्थ हैं या जिनका इलाज चल रहा है, अस्पताल में हैं, ऐसे जगहों पर जो हैं उनके लिए छूट है जी। लेकिन अन्य सभी को इन ग्रहण पड़ने के उपरांत मोक्ष होने के बाद अवश्य स्नान करना चाहिए, जिससे वो जो निगेटिव एनर्जी या जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर के इर्द गिर्द आ गई है वो उससे हम शुद्ध हो सकें, और शुद्ध होने के उपरांत हम कुछ दान पुण्य करें जिससे देवताओं को बल मिले और हमारे ग्रह अरिष्ट, क्योंकि संक्रांति भी लगेगी और इन सब का प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे शरीर से जुड़ा है, हमारे शरीर पर पड़ता है। इसलिए ग्रहण के उपरांत हर एक मानव को स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने की स्थिति में ना हो या कोई समस्या है तो गंगा जल भी, जो शुद्ध और पवित्र माना गया है, उनको अपने ऊपर छिड़क लें और वस्त्र चेंज कर दें। जो वस्त्र सुबह से पहने हैं उन वस्त्रों को उतार दें और नूतन वस्त्र या जो धुले हुए वस्त्र हैं उनको धारण करके तभी आप शुद्ध होंगे और तभी आप जो पूजा पाठ कुछ दान पुण्य कर सकेंगे। पंडित जी, सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करने और दान करने के अलावा और क्या कुछ करना चाहिए? सूर्य ग्रहण के उपरांत मोक्ष हो जाता है और ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के बाद जहाँ पर ग्रहण पड़ता है सूतक भी वही मान्य है, और ग्रहण
ग्रहण के बाद कोई भी दोष नहीं रहता है, इसलिए ग्रहण के बाद किसी को भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अभी सूर्य नीच राशि पर कुछ दिन तक रहेंगे, तो जिनका सूर्य कमज़ोर है या सूर्य जिनका अच्छा नहीं है, सूर्य नीच का है या कुंडली में अच्छे स्थान पर नहीं है, उनको ज़रूर थोड़ा सूर्य की आराधना करनी चाहिए। और वैसे भी सूर्य को नित्य जल देना चाहिए, क्यों सूर्य को जल देने से आत्मबल मजबूत होता है और यश कीर्ति मिलती है। सरकारी नौकरी संबंधी जितने भी राज योग संबंधी जितने भी राज संबंधी सुख हैं, वे सभी सूर्य से ही प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ा नेत्र की ज्योति, क्योंकि हम मोबाइल देखते हैं, हम ये तो हमारे नेत्र वैसे भी, क्यों राहु के तो क्या है, मोबाइल भी हैं जी। तो उसको हम जो चित्र है वो देखते हैं, तो इससे नेत्रों पे बुरा असर उसका पड़ता है। तो इसलिए सूर्य को जल देने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है, पिता का सुख प्राप्त होता है, राज संबंधी सुख प्राप्त होता है, और राजनीति संबंधी अगर राजनीति से जो जुड़े हैं उनको भी अच्छा फल प्राप्त होता है। क्योंकि ग्रहण के दौरान जो राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं उनको भी इसका दुष्प्रभाव देखना पड़ता है। और अभी सूर्य जब तक नीच राशि में रहेगा तब तक कुछ न कुछ राजनीति से संबंधी भी उथल पुथल होने की संभावना रहती है, या राजनीति के भी अच्छे परिणाम देखने को नहीं प्राप्त होते हैं जी। इसलिए ग्रहण के उपरांत इसका मोक्ष हो जाएगा ग्रहण का, और स्नान ध्यान करके आप पुनः अपने कार्यों में लग सकते हैं जी। पंडित जी, जैसा आपने अभी कहा कि सूर्य को जल देने से तमाम लाभ मिलते हैं, तो सूर्य को जल देने का सही तरीका क्या है? सूर्य को जल देने का सही तरीका यह है कि प्रातः काल आप जितना जल्दी से जल्दी उठें, क्योंकि अब आज आने वाले समय में लोग जल्दी उठ नहीं पाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि रात्र में देर से सोना जी। या रात्र में देर तक मोबाइल इत्यादि का देखना, ये सभी हमारे मस्तिष्क पे और नेत्रों पे इनका प्रभाव पड़ता है। इसलिए रात्रि में जितनी जल्दी भोजन करके और जितनी जल्दी आप सो जाएंगे, उतना ही शीघ्र आप जल्दी उठ जाएंगे। क्योंकि जो सूर्य की प्रातःकालीन की सूर्योदय के समय की जो किरणें होती हैं, वो हमारे सभी शरीर के रोगों को नष्ट करने वाली हैं। और वो किरणें 100% में 90% ही लोग उनको ग्रहण, 90% लोग नहीं ले पाते हैं। 5-10% हमारे इस देश के लोग सूर्य की जो उत्तम किरणें हैं, प्रातःकाल वेला की जो किरणें हैं, सूर्योदय की समय की जो किरणें हैं, उनको ग्रहण कर पाते हैं। तो इसलिए और भी बीमारी का ये कारण है कि बीमारियां अधिक रहती हैं, कई सूर्य संबंधी रोग होते हैं, आयु ज़्यादा लंबी नहीं होती है। इन सब का कारण है कि सुबह प्रातःकालीन वेला में न उठ पाना और उठने के बाद सूर्य को जल न देना। क्योंकि सूर्य को जल देने का एक सही तरीका यही है कि प्रातःकाल जितनी जल्दी से जल्दी, सूर्योदय से लेकर कम से कम 2-3 घंटे के अंदर आप जल दे दीजिए। और वैसे तो जिस समय आप उठ जाएं उस समय भगवान को जल दे के प्रणाम करना चाहिए, लेकिन प्रातःकाल का उत्तम माना गया है। प्रातःकाल एक ताम्र पात्र का लोटा लें और सूर्य को देखते हुए, जब आप सूर्य को देखते हुए जल देंगे तो उस जल में तांबे के पात्र से उस जल में आप देखेंगे कि तरंगे सप्त रंग आएगा। जब आप सूर्य को देखेंगे और जल लोटे से देंगे तो थोड़ा सा पैर पीछे के एड़ी उठा के देना चाहिए, हल्का सा अगर उठ पाए तो एड़ी उठा करके, और जब सूर्य को जल देंगे तो उस समय उनकी किरणों की आप जल में देखेंगे तो आपको सीधे सूर्य दिखेंगे, और जब सूर्य दिखेंगे तो उसमें सप्त रंग की किरणें आपकी नेत्रों पे आपके चेहरे पे पड़ेंगी। वो किरणें हमारे सभी नेत्र के रोगों को दूर करने वाली होती हैं, और उन किरणों से हमारा शरीर में यश तेज बढ़ता है और सूर्य प्रबल होते हैं। और सूर्य अगर जिनके प्रबल हैं तो जातक वो मानो हर एक क्षेत्र में उन्नति करता है, उसको
किसी की भी किसी के साथ भी कोई बुरा उसका नहीं कर पाता है, शत्रु पराजय होते हैं, सरकारी नौकरी है, यश कीर्ति ख्याति उसको प्राप्त होती है। इसलिए सूर्य को जल हर एक मानव को प्रातःकाल देना चाहिए। पंडित जी आपको रोकना चाहेंगे, आपसे फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ विज्ञान संचारक सुशील द्विवेदी जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे विज्ञान की दृष्टि से सूर्य ग्रह के बारे में। आभार जो आपने इतनी अच्छी वैज्ञानिक चर्चा आयोजित की। जी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी मयूरी जी? मयूरी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, आ रही है। अच्छा, तो जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि हमारी सनातन धर्म की परंपरा रही है कि हम सूर्य को पूजा करें, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। जी। तो मैं आप के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, ये एक प्रकार की खगोलीय घटनाएं हैं। और ये सूर्य ग्रहण तब घटित होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वो तीनों एक ही सिर में आ जाते हैं। और आंशिक सूर्य ग्रहण तब घटित होता है जब चंद्र चक्रिका सूर्य चक्रिका को आंशिक रूप से ही ढक पाती है। तो पहले तो लोगों को ये जानना जरूरी है कि एक प्रकार की एक खगोलीय घटना है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी का एक अपना रिश्ता है जी। अब दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज आपके माध्यम से लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ग्रहण को लेके आज पूरी दुनिया में अलग अलग डरावने विश्वास कायम है। दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जिनके लिए ग्रहण किसी खतरे का प्रतीक है, फिर वो मानते हैं कि दुनिया की भयंकर उथल पुथल की चेतावनी का एक संकेत मिल रहा है। जैसे हमारे अगर हिंदू दर्शन की बात करें तो इसे अमृत मंथन और राहु केतु नामक दैत्यों की कहानी से जोड़ा जाता है। इससे जुड़े कई अंधविश्वास प्रचलित हैं और ग्रहण कुल मिला के ये कह सकते कि हमेशा से हम इंसानों को जितना अचंभित करते रहे हैं उतना डराते भी रहे हैं। और इसके पीछे ये था कि पहले हमारी आपकी जिंदगी छोटी होती थी और पूरे जीवन में लगभग एक बार ही या बहुत से बहुत दो बार ग्रहण देखने को मिलता था, और अब ये स्थिति है कि हम लोग अपने जीवन में एक दो या तीन या चार बार भी ग्रहण देख रहे हैं। और अब तो ये भी देखा है कि नासा से लेके भारत के जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, वो भी सूर्य पर पहुंचने की तैयारी में है। नासा तो ऑलरेडी ही अपने यान भेज चुका है, तो आगे हम भविष्य में आदित्य, गगनयान, इस प्रकार के अलग अलग यानों के माध्यम से इन अलग अलग जो हमारे सूर्य चंद्र और अलग अलग ग्रह हैं वहां पर हम जीवन की कल्पना के बारे में भी देखने जा रहे हैं। तो इस जो पहले एक डरावनापन था, लोग समझते थे कि सृष्टि का अंत हो जाएगा, तो उसके पीछे ये था कि ग्रहण के वजहों की सही जानकारी नहीं थी, उतनी विज्ञान उतनी आगे नहीं आई थी। और इसलिए जैसा कि सूरज हमें और आपको रोशनी देता है, और जब ये देखते थे कि असल में ही सूरज को एक प्रकार का अंधेरा छा जाता था, उसकी रोशनी कम हो जाती थी, तो आदमी डरने लगते थे। 17वीं शताब्दी के यूनानी कवि आर्की लकस ने कहा था कि भरी दोपहर में अंधेरा छा गया और उस अनुभव के बाद उन्हें किसी भी बात पर अचरज नहीं होगा। मजे की बात है कि जब हम ग्रहण के वैज्ञानिक कारण जानते हैं, जबकि आज की डेट में मैं और आप सब लोग बता रहे, तब भी ग्रहण से जुड़ी हुई ये कहानियां, चाहे राहु केतु की हो, चाहे अमृत मंथन की हो, चाहे यूनान से आई हुई ये कहानियां हैं, ये अलग अलग बरकरार है और लोग अपने अपने ढंग से इनकी व्याख्या भी कर रहे हैं। लेकिन ये बात आप सबको समझना चाहिए कि पूर्व समय में जब संचार और शिक्षा की कमी थी, जानकारी का प्रचार प्रसार मुश्किल था, उसकी वजह से बहुत सारे अंधविश्वास पनपते थे। और लेकिन अब जैसे जैसे इंसान बदल रहा है, विज्ञान की दृष्टि से बहुत आगे हम और आप बढ़ चुके हैं, तो अब हम और आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि प्रकाश का जो स्रोत है वो सूर्य होता है, और जीवन के स्रोत सूर्य का छिपना लोगों को डरना नहीं चाहिए। एक प्रकार से ये चूंकि एक दूसरे को एक प्रकार का मूवमेंट होता रहता है, उस दौरान ये घटना होती है। अगर लोग आपको डरा रहे हैं या अलग अलग धर्मों के अनुसार, जैसे पश्चिम एशिया में मानता है कि ग्रहण के दौरान ड्रैगन सूरज को निगलने की कोशिश करता है,
इसलिए वहाँ उस ड्रैगन को भगाने के लिए लोग ढोल नगाड़े बजाने लगते हैं। चीन में मानता है कि सूरज को निकलने की कोशिश करने वाला अक्सर स्वर्ग का एक कुत्ता है, और हमारे भारत में तो मैंने अभी बताया ही है। तो यहाँ पर हमें और आपको विज्ञान की दृष्टि से सोचना है, और सूर्य ग्रहण की तरह ही एक घटना चंद्र ग्रहण भी होती है, और ये एक प्रकार की वैज्ञानिक खगोलीय घटनाएं हैं, और इसमें किसी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। बल्कि ये जो सूर्य ग्रहण था, इसने दुनिया के वैज्ञानिकों को एक अवसर दिया कि वो आगे आए और सूर्य को और अच्छे से पढ़ें, सूर्य ग्रहण के बारे में और अच्छे से जानें, हमारे विद्यार्थी, हमारे शोधकर्ता और हमारी दुनिया के अलग अलग वैज्ञानिक। सुशील जी, अगर हम विज्ञान की नजर से देखें तो सूर्य ग्रहण का पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है? देखिए, सूर्य ग्रहण का पृथ्वी पर कोई असर ऐसा असर नहीं है जैसा कि हम और आप लोग तमाम कहानियों और उसके रूप में सुन रहे हैं कि देवी देवता क्रूर हो गए, गुस्सा हो गए, तो इसकी वजह से ये ग्रहण पड़ा और आगे चल के हमें और आपको खाने पीने की परेशानियां होंगी या हमारे आपके जीवन में कहीं ना कहीं से दुश्वारियां आएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये ग्रहण था, ये ग्रहण हुआ, इसके बाद ग्रहण अब समाप्त हो गया। अब इसके बाद कल से फिर दुनिया, अब बल्कि आज जैसे ही खत्म होगा ग्रहण, उसके बाद दुनिया उसी रूप से चलेगी और हम लोग पुनः अपने अपने कार्यों में जाएंगे। बस ये था कि ये ग्रहण को देखते समय जिन लोगों ने एहतियात बरता होगा, अलग अलग ढंग के जो सेफ्टी डिवाइस है उनके द्वारा अगर उन्होंने देखा होगा तो वो निश्चित ही बहुत अच्छे से देखने में सफल हुए होंगे। और उन लोगों ने जिन्होंने कहीं ना कहीं से नेकेड आई से सूरज की तरफ देखा होगा, अर्थात जिन्होंने एल्यूमिनी माइलर काले पॉलीमर 14 नंबर के शेड के झलाईदार कांच का उपयोग न किया होगा, टेलीस्कोप के माध्यम से उन्होंने जो श्वेत प्रकार का एक पट होता है या ये कह सकते हैं हम पर्दे पर सूर्य की छाया का प्रक्षेपण कर उसे नहीं देखा होगा, तो हो सकता है कि उनकी आंखों में परेशानी हुई होगी, या अगर उन्होंने सीधे सीधे देखा होगा तो उनकी रेटिना डैमेज हो गई होगी। तो ये जो घटनाएं जरूर हमें और आपको दुखद देखने को मिलती हैं जब हम लोग पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होने के कारण ग्रहण को सीधे देखना चाहते हैं, और ग्रहण को सीधे देखने से हमारी आंख की रेटिना पर बहुत ज्यादा लाइट गिरती है, इसके कारण आंख की रेटिना बहुत सेंसिटिव होती है और उसके कारण पार्शियल या टोटल ब्लाइंडनेस कई जगह पर देखी जा रही है। सुशील जी, मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लोग खाना नहीं खाते हैं, खाना नहीं बनाया जाता, विज्ञान की नजर से इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर अपने धर्म का अलग अलग विश्वास है, मैं किसी धर्म की विरुद्ध कोई बात नहीं कह रहा हूँ। हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म है, उसका अपना अलग एक विश्वास है, लेकिन पहले विज्ञान और संचार इतना ज्यादा नहीं था तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं से एक भय था, विशेषकर हिंदू मिथकों में इसको अमृत मंथन और राहु केतु नामक दैत्यों की कहानी से जोड़ा जाता था और इससे जुड़े कई प्रकार के अंधविश्वास प्रचलित थे। लेकिन मैं आज पूरी शिद्दत के साथ कह रहा हूँ कि ग्रहण हमें और आपको पूर्व समय में तो डराते रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में ग्रहण हमें और आपको एक अवसर देते हैं नई नई चीजों को जानने के लिए, नई नई चीजों को समझने के लिए, और अच्छी रूप से हम सूरज और चंद्रमा और पृथ्वी के रिश्ते को जाने। और क्योंकि आज हमारे पास सूचनाओं का खूब सारा जगह जगह पर हमारे पास सूचनाओं से संबंधित चीजें हैं, हमारे पास उन्नत ढंग के टेलीस्कोप हैं, वेधशालाएं हैं, और उनके द्वारा हम ज्यादा अच्छे ढंग से आज कल इस सूर्य को देख रहे हैं। जो हमें और आपको एक डर था कि एकदम जब सूरज में को घेर लिया जाता था और सूरज को घेरने का मतलब है अंधेरा छा जाता था, उसका एक वजह था, अंधेरा छा जाने के कारण ये तमाम प्रकार की अलग अलग कहानियां थी, अलग अलग ढंग से लोगों की मान्यताएं थी, लेकिन विज्ञान की नजर से ऐसा अब कुछ नहीं है। ये एक प्रकार की वैज्ञानिक घटना थी और अगर अलग अलग धर्म अलग अलग ढंग से अपने ढंग से मानते हैं तो ये अपना अपना एक प्रकार का जीने का नजरिया हो सकता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि ये एक प्रकार की घटना थी और उस घटना का हम सब लोगों ने भरपूर आनंद लिया और अब हमारी आपका जीवन पुनः उसी रफ्तार से कल से चलेगा और बल्कि आज के बाद
सात बजे के बाद से चलेगा। सुशील जी, सूर्य ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, तो ये जो सूर्य ग्रहण लगा है इसका प्रकृति पर कितना असर पड़ेगा? प्रकृति पर वही बताया ना कि ऐसा कुछ भी असर नहीं हमें और आपको, जैसा हम और आप लोग चाहे अलग अलग व्याख्याओं में देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। प्रकृति उतनी ही उदार, उतनी अनुदार रहेगी, प्रकृति उतनी ही सुंदर रहेगी। प्रकृति में वैसे ही फूल खिलेंगे, वैसे ही चिड़िया चहचहाएंगी, वैसे ही हम सब लोग अपना जीवन यापन करेंगे। कोई भी ऐसी प्रतिकूल घटना घटित नहीं होने जा रही है। ये एक प्रकार की खगोलीय घटना थी। इस खगोलीय घटना के बाद अब ये हम और आप लोग पुनः उसी रास्ते पर आने वाले हैं। कोई भी किसी प्रकार का कुछ भी ऐसा प्रतिकूल होने वाला नहीं। धन्यवाद सुशील जी तमाम जानकारियों के लिए। जी 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 धन्यवाद। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आइसलैंड में 2:29 पर शुरू हुआ था। भारत में ग्रहण शाम 4:29 से शुरू हुआ है जो शाम 6:09 पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण के बाद 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इससे पहले महाभारत युद्ध से पहले 2 बार ग्रहण पड़ा था। ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले से सूतक काल प्रभावी हो गया है। ग्रहण को भारत समेत दुनिया के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है। भारत में सूतक काल भोर में 4 बजे से शुरू हो गया है। ग्रहण की वजह से गोवर्धन पूजा 25 अक्टूबर की जगह 26 अक्टूबर और भैया दूज 26 अक्टूबर की जगह 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दीपोत्सव भी इस साल 5 दिन की बता दें कि भारत में आंशिक सूर्य ग्रहण चल रहा है जो पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों को छोड़कर भारत के अधिकांश इलाकों में दिखाई दिया है। फरीदाबाद से हम संवाददाता मनोज का रुख करेंगे। मनोज, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण चल रहा है। तो इस बार जो गोवर्धन के बीच में सूर्य ग्रहण लगा है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग सक्रिय हैं, और इस बार अगर बात की जाए तो जो गर्भवती महिला है उनको लेकर काफी सावधानी बरतनी होगी, जैसे कि वो नकुली चीज का यूज ना करें और घर में सिलाई ना करें और घर में पूजा पाठ ना करें, उसी को लेकर काफी सावधानी की गई है। और बात की जाए तो अब 4 बजे से लेकर 6:02 तक जो सूर्य ग्रहण वो रहेगा। जी मनोज, फरीदाबाद में कैसा माहौल दिखने को मिल रहा है, बाजार में कैसा माहौल है? फरीदाबाद की बात की जाए तो बाजार में काफी शांति है, बाजार में लोग बाग नहीं है। कुछ जो दुकानदार हैं उन्होंने दुकानें बंद कर रखी है क्योंकि ग्रहण का जो प्रकोप है, काफी जो काम करने वाले हैं लोग हैं उनपे कहीं ना कहीं इस बात का ज्यादा विचार है वो करते हैं, और इसी को लेकर आप जो बाजार और मार्केट में है काफी शांति बाजार में देखी जा रही है। जी धन्यवाद मनोज तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थी प्राइम टीवी की खास रिपोर्ट जिसमें हमने सूर्य ग्रहण से जुड़ी तमाम जानकारियां दी, जिसमें हमारे साथ दो ज्योतिष भी जुड़े और विज्ञान के नजरिए से भी हमने आपको तमाम जानकारियां दी। साथ ही जगह जगह से हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े जिन्होंने सूर्य ग्रहण को लेकर तमाम जानकारियां दी। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।